जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से आर्मी जीडी का एक नया सैंपल पेपर आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। मंडी एआरओ एग्ज़ाम के लिए आपका ये सैंपल पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले जो भी अभी तक मैंने सैंपल पेपर की वीडियो आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, आई होप आप सभी के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रही होंगी। मंडी एआरओ का एग्ज़ाम जो कि आपका 15 जैन को होने वाला है, 15 जैन 2023 को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेंगे। इससे पहले हमने ओरिजिनल पेपर को भी यहाँ पे सॉल्व करवाया था, जिसमें आपका एआरओ हमीरपुर और साथ में एआरओ पालमपुर के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे। आई बटन के ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे दोनों के दोनों ओरिजिनल पेपर जो हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपके लिए जो है वो एक कंप्लीट आर्मी जीडी का अग्निवीर का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि आपका 15 जैन को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको एक कॉपी में जो है वो आपके साथ साथ में आंसर जो है वो टिक करते चलना है, उसके बाद आपको चेक करना है फाइनल में कि आपके कुल कितने क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल सही यहाँ पर आते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहां पर आप जो है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा में केवल एक प्रतिनिधि तो होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सिर्फ लोकसभा का एक ही मेंबर जो है वो हिस्सा लेता है? तो वो है मिजोरम और नागालैंड। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आप सभी को पता है, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रतिभा देवी पाटिल। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण स्थल कौन सा है? हरिकोटा, थुम्बा, पोखरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला परमाणु परीक्षण जो था वो था राजस्थान में, जो कि आपका है पोखरण में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आर्मी जीडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा कब आजाद हुआ था? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, एक गोवा और एक जो है वो बिहू का क्वेश्चन जो है वो आर्मी जीडी का एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में आपका ये देखने को मिलता है आर्मी अग्निवीर में। तो 1961 में जो है वो गोवा पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है ये किस नदी की जो है वो सहायक नदी है, किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो उसका नाम है कृष्णा नदी। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आपके पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार अपना शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? तो ऐसा कौन सा शासक था जो जैन मुनि की तरह उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया था? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ध्यान में रखना है, हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये करवाया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी में जो है ये आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करते हैं, राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जो राज्य का मंत्री परिषद है उसका मुखिया कौन होता है? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी हमारा संविधान है उसमें जब भी स्टेट या फिर राज्य की बात की जाती है, जब भी राज्य की बात यहाँ पर की जाती है, तो राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, आपको ध्यान में रखना है, देश को बताता है, ना कि ये एक किसी स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पे राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना जो है वो स्थापित किया था? तो किसकी अनुमति से जो है वो
अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है वो स्थापित किया था। तो शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब, तो जहांगीर की अनुमति से जो है वो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है वो स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी तक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2022 तक, मैं इसको लेके चलता हूँ, 2022 जून जुलाई 2022 तक मैंने इसको जो है वो कंसीडर किया है, क्योंकि उसके बाद कई ज़्यादा जो है वो हमारे नए इंस्टीट्यूट जो है वो नोटिफाइड किए गए हैं। जैसे अभी आपको पता होगा, हिमाचल सरकार ने भी काफ़ी तहसील, उप तहसील जो है वो ओपन की है, लेकिन उनको नई सरकार के द्वारा डी नोटिफाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका जून जुलाई 2022 तक आप कंसीडर कर सकते हैं। उस टाइम तक 25 जो है वो टोटल हाई कोर्ट हमारे पास यहाँ पर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में बोला गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है वो नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर ये स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है? तो आर के लक्ष्मण जो है आपको पता होगा, काफी ज्यादा बुक्स जो है वो उन्होंने लिखी है। तो आर के लक्ष्मण जो है वो कार्टूनिस्ट से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट? एक खेलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। तो महेश भूपति का जो संबंध है वो रहता है किससे? टेनिस से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पिछले कल भी मैंने आपको बताया था, अगर छोटे लेवल का एग्जाम है तो महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है जीके के सेक्शन का, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर किस दिशा में पड़ता है? अब अगर यहाँ पे अगर बात करें, भारत का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे रहता है, ये आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का, ये आपका भारत है। जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो कौन सा राज्य स्थित है, सॉरी यूनियन टेरिटरी है, तो ये है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है वो भारत के मानचित्र की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सबसे पहले यहाँ पे बोला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो आपको पता होगा एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड के बिल्कुल बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो रिफ्लेक्शन के जो लो हैं वहां पे ये आपको बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रहों के गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ग्रहों की गति जो है वो दी गई थी कैपलर्स के द्वारा, और कैपलर्स लो काफी फेमस है फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब कि मेटल और नॉन मेटल को मिलाने पर क्या बनता है? मेटेलॉइड बनता है, तो जिसको हम मिश्र धातु यहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किसमें आयरन नहीं पाया जाता है? तो आयरन नहीं पाए जाने की बात की है, तो आयरन जो है वो किसमें नहीं पाया जाता? सोयाबीन में आयरन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जो मादा जनन अंग है वहां पे कौन सा हार्मोन जो है वो वहां पे निकलता है? तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक हार्मोन जो है वो जेंट्स में आता है और एक जो है वो लेडीज में आता है। तो यहाँ पे जो है वो रिलैक्सिंग जो है ऑप्शन सी
यहाँ पे राइट आंसर रहेगा एस्ट्रोजन जो है, ये आपका मेल का हार्मोन जो है वो बोला जाता है। उसके बाद है H1N1 क्या है, तो H1N1 जो है क्या बोला जाता है उसको, H1N1 जो है वो आपका वायरस है, और H1N5 भी आपका क्या है, एक वायरस है। एक जो है वो आपका स्वाइन फ्लू है और दूसरा जो है वो आपका बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, कौन सा मांसाहारी नहीं है, तो देखने से ही पता चल रहा है गाय इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी धातु नहीं है, तो यहाँ पे धातु नहीं होने की बात की गई है, तो धातु कौन सी नहीं है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक कंपाउंड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 24 है, लाल बल्ब के ऊपर हरा हरा कपड़ा डालने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो जब भी लाल रंग की किसी चीज के ऊपर जो है वो हरे रंग से अगर उसको कवर किया जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, साधारण नमक का सूत्र बताएं, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, नाखून काटने की मशीन में जहां नाखून रगड़ा जाता है वह कौन सा बल लगता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन रहते हैं वो डेली रूटीन के आपके क्वेश्चन रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप नाखून काटते हैं तो उसको जो है वो एक छोटे से पार्ट के साथ जो है वो घिसा जाता है ताकि जो हमारा नाखून है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो वहां पे कौन सा बल जो है वो लगता है, तो वहां पे लगाते हैं हम घर्षण बल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। 27 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बॉल पेन जो है ये काम करता है हमारे सरफेस टेंशन के ऊपर, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, सफेद फास्फोरस को रखते हैं पानी में, सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन में, और जो आपके पास पोटाशियम है उसको रखा जाता है बैक्स में। अगर बैक्स ऑप्शन में ना हो तो फिर मिट्टी का तेल या कैरोसिन को ही यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, ऐसा कौन सा खनिज है जो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, तो वो है हमारे पास थोरियम, ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक में क्या पाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा जो हमारी पेंसिल है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ मैथ की, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो लगाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला रहता है n n+1/2, ये फॉर्मूला है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है, तो 40 × 40+1 एक आ जाएगा 41, और डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से 40 कटेगा 20 बार, और 20 को 41 से गुणा करके हमारे पास आएगा 820, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 32 में क्या बोला गया है, 0.025 इसको ओपन करना है, तो ये आ जाएगा 25/1000, और 25 से 1000 कट जाएगा कितनी बार, 40 बार, तो 1/40 जो है ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.8 kg है, और उसमें से 25 लड़के हैं जिनका औसत वजन 52.2 है, तो कक्षा की लड़कियों का औसत वजन कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पे ये पता चला कि जो टोटल 30 बच्चे हैं उनका औसत वजन कितना है, 49.8 है, तो यहाँ पे इसका हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो सम कैसे निकालते हैं, दोनों को गुणा करेंगे, 30 को 49.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1494, ये आ गया 30 बच्चों का कुल वजन। उसके बाद 25 लड़के जो हैं उनका वजन बताया गया है 52.2,
तो इनको भी गुणा करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा हमारे पास 13,05, ये आ गया हमारे पास 25 लड़कों का वजन। अब आप ये देखिए, ये जो है ये सभी बच्चों का है, इसमें लड़के और लड़कियां हैं, और 1305 जो हैं वो इसमें कितने कौन है, सिर्फ और सिर्फ बॉय हैं। तो इन टोटल में से जब बॉय को कम कर दिया जाएगा, 30 में से 25 को कम कर दिया जाएगा, तो बच जाएंगी 5 गर्ल्स, और इन 5ों गर्ल्स को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा उनका वेट। तो 189 उनका टोटल वेट है, लेकिन हमें बताया है औसत, तो औसत निकालने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल लड़कियां कितनी है, 5, 5 से 189 को जब हम काटेंगे तो 37.8 kg जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 130 का एक्स प्रतिशत बराबर है 11.7, इसका क्या आपके पास राइट आंसर रहेगा? तो साथ साथ में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन ये दिया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 130 आपको दिया गया है, और इसका दिया है एक्स परसेंट, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100, और यहाँ पे आपके पास आएगा, पॉइंट को हटा दिया तो नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10, 10 से A0, 13 से 117 कट जाएगा, कितनी बार, 9 बार। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है SI से। यदि ब्याज की दर 7% है तो 3,000 रुपये कितने सालों में 3,840 रुपये बन जाएंगे। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपने बैंक में 3,000 रुपये जमा कराए, मान के चले आपने बैंक में 3,000 रुपये जमा कराए, तो कितने टाइम के बाद जो है उसको 3,840 वो बन जाएंगे। इसका मतलब है 840 रुपये किसने दिए, ब्याज ने दिए, सॉरी बैंक ने दिए, तो बैंक ने जो दिया वो क्या बनता है, इंटरेस्ट। तो SI आपके पास बन गया 840 रुपये, प्रिंसिपल आपके पास मूलधन था 3,000, रेट आपके पास बताया गया है 7%, टाइम आपको निकालना है, और नीचे आ जाएगा आपके पास 100, 20 से ये 20, 10 से ये 10, 3 से 84 कट जाएगा तो आपके पास आएगा 28, और इस 7 से 28 कट जाएगा तो आपके पास आएगा 4। कैलकुलेशन आपको करनी है साथ साथ में, तो 4 साल में आपको एक्स्ट्रा 840 रुपये जो है वो मिलेंगे, तभी आपकी जो राशि है वो 3,000 से 3,840 जो है वो हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपको a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a की वैल्यू दी है, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सबको ऐड कर दें, a प्लस बी आपने किया, फिर b प्लस सी किया, फिर आपने c प्लस a किया। अगर आप देखेंगे ये a प्लस बी कितना दिया गया आपके पास, 10, उसके बाद b प्लस सी कितना दिया गया है, 20, और c प्लस a कितना दिया गया है, 30। ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 10 और 20 30, और ये हो जाएगा आपके पास टोटल कितना, 60। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करूंगा, ये ए और ये वाला ए मिलके क्या बनाएंगे, 2a बनाएंगे, उसके बाद ये बी और बी क्या बनाएंगे, 2b बनाएंगे, और ये सी और सी क्या बनाएंगे, 2c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60। सब में 2 है तो मैं 2 को क्या रख लूंगा, कॉमन, a प्लस b प्लस c मेरे पास अंदर बचा, और यहाँ पे आएगा 60, 2 यहाँ से हटेगा, 60 में कटेगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 30, जो कि ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पे रहता है तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हम आपके इस डाउट को जो है वो पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस बाय, आपके पास दिया गया है 8। एक्स प्लस बाय जो है वो आपके पास दिया गया है 8, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स प्लस बाय आपके पास है 8, और एक्स माइनस बाय दिया गया है आपके पास 2। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स और एक्स आपके पास हो गए 2x, प्लस कर दिया 8 और 2 आपके पास 10, 2 से 10 कटेगा तो आंसर कितना आएगा,
पांच। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इजी क्वेश्चन है इसको। आप ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है आप इसको खुद भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लाई आपको करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो हमेशा बोर्ड मास का आपको यूज करना है। कोई भी सिंबल आपने अपनी मर्जी से जो है वो सबसे पहले ओपन नहीं करना है। आपके पास जो वैल्यू दी गई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के सिंबल को आपको सॉल्व करना है। 14 × 32 आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 32 को तो आपके पास आएगा 4.48। उसके बाद माइनस नहीं करना है क्योंकि पहले इंटू है, तो पहले आप इसको सॉल्व करें। 2 × 2.1 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 4.2, और उसके बाद लास्ट में है आपके पास 0.8। इन सभी वैल्यू को आप सॉल्व करें, पहले आपको प्लस करना है इन दोनों को, फिर माइनस करना है 4.2, तो आपके पास राइट आंसर बचेगा 1.18, जो कि ऑप्शन ए जो है वो आपके पास यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या का 60% और संख्या का 20% का योग 960 है तो वह संख्या आपको बतानी है कि वो संख्या क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। अगर कोई संख्या है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई एक संख्या है, मैंने उसको ले लिया एक्स। तो जब भी मैं उस संख्या को एक्स ले लेता हूँ तो एक्स का 60%, 60/100, और दूसरी संख्या बोला गया है उसी का 20%, मतलब जो संख्या मेरे पास थी एक्स उसी का 20% है, उन दोनों का योग करके, योग जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, योग करके कितना आएगा 960 आएगा। तो मैं इसको ओपन करूँगा, ये मेरे पास बन जाएगा कितना 60/100 एक्स, प्लस ये बन जाएगा 20x/100 और इक्वल टू 960। अब मेरे को एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा 100, 60 और 20 कितने हो जाएंगे मेरे पास 80x और बराबर है 960। अब ये 100 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, और 80 कहाँ आएगा ऊपर से आएगा नीचे, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास सिर्फ x। अब इसकी कटिंग करनी है 0 से 0, 8 से 96 कटे 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा 1200, जो कि ऑप्शन है सी में जो है वो मेरे पास यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है एलसीएम से रिलेटेड, आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बोला गया है कि जो आपके पास एक छोटी से छोटी वैल्यू आपको बतानी है ताकि वो वैल्यू आपकी पूरी तरह से कट जाए। हिट एंड ट्रायल का मेथड भी आप इसमें यूज जो है वो कर सकते हैं, उससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास यहाँ पर। 4, 4, 5, 6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 4, 4, 5, 6, आपको इसको 6 से डिवाइड करना है। कब तक ये पूरा कटता है, 7 से करेंगे सबसे पहले 42, 2 आएगा फिर 5 आएगा, 4 से जाएगा 24, फिर आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 12, और यहाँ पे बचा आपके पास 4। तो देखिए 6 के पहाड़े से 4 नहीं जाता है, 6 के पहाड़े में कौन सी नंबर आता है, सबसे पहले आता है 6। तो इस 4 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड की जाए ताकि ये 6 बन जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी 2। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक बार परसेंटेज से लिया गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका ज्यादातर देखा जाता है एग्जाम में। इसमें आपका स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्कूल में 30% छात्र लड़कियां हैं, और यदि स्कूल की कुल संख्या 700 है तो लड़कियों की संख्या जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल संख्या की, मतलब 100% आपको वैल्यू दी गई है कितनी है वो 700, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 7। यदि स्कूल में 30% जो है वो लड़कियां हैं, इसका मतलब है 7 को 30 से गुणा कर देंगे तो 7 21, अगर 30% लड़कियां हैं तो इसका मतलब है कि 70% कौन होंगे, लड़के होंगे,
तो 70 को 7 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आएगा 490। 210 और 490, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8% और 6% के किसी लाभ पर घड़ी को बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 6 रुपये आता है। तो आपको जो है वो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है कि घड़ी को आपने कितने रुपए में खरीदा था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, 8% और 6% का लाभ है और 6 का अंतर है। आपने पहले 8 में बेचना था, लेकिन बेचा कितने में? 6 में। तो कितने का आपको अंतर पड़ा? 2% का। मैं परसेंट में बोल रहा हूँ 2 का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितने? 6 रुपये का। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 3। और आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा आता है 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300। इसका मतलब वो घड़ी कितने रुपए की थी? 300 रुपए की वो आपके पास यहाँ पर घड़ी रही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, गुणनखंड आपको निकालने हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे आप इस 8y³ को आप ब्रेक करेंगे, आपका टूटेगा 2y³। ये आपका इसमें टूटेगा। a³ - b³ का आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके थ्रू आपका ऑप्शन ए जो है वो फिट रहेगा। मैं आपको फॉर्मूला जो है वो बता देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास रहेगा यहाँ पर a² + b² + 2ab इंटू a - b। ये आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। 44 क्वेश्चन है। आपको बोला है 450 रुपये के मूलधन पर 2% 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? यदि 4 साल में 1 रुपया जो है वो आपका 0.40 ब्याज में जो है वो चेंज हो जाता, मतलब 1.40 रुपये आपको टोटल वहां पर मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेट की वैल्यू निकालें। जब आपने 1 रुपया बैंक में जमा कराया था तो आपको ब्याज कितने का मिला? 0.40 का। 40 को ओपन कर लेंगे, 40/100 ये आ गया। एक आपके पास प्रिंसिपल है, रेट आपको निकालना है और टाइम था 4 साल डिवाइडेड बाय 100। SI का फॉर्मूला लगाया, 100 से 100, 4 से 40 कटा 10। इसका मतलब रेट कितनी आपको थी, दर कितनी थी? 10% आपके पास दर थी। अब यहां से क्वेश्चन आप निकालेंगे। अब 450 आपके पास क्या हो गया? मूलधन हो गया, ठीक है। टाइम कितना है? 2 साल। रेट आपके पास 10 और डिवाइड बाय 100, 1 2, 1 और 2 0, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90 रुपये। जो है वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। उसके बाद अगला आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, घोड़ों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन रहेगा। ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपकी एक ट्रिक जो है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। उस ट्रिक से जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये प्रॉफिट लॉस में भी काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और एरिया के चैप्टर में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब भी बराबर का लाभ और बराबर की हानि की बात बोली जाती है, 10% का लाभ मतलब 100 से 10 का लाभ, मतलब हम कितने पे पहुंचे? 110 पे। और 10% की हानि मतलब 100 पे 10 की हानि, तो हम पहुंचे 90। बस इसी में आपका क्वेश्चन छिपा है। डिवाइड करते हैं 100 से, आपकी ट्रिक है 00 से 00, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 99। अब प्रॉफिट लॉस हमेशा काउंट किया जाता है 100 से, तो 100 से ये कितना कम है? तो ये कम है 1%, कम है। तो 1% कम मतलब 1% की हानि जो है वो उस दुकानदार को रहेगी। उसके बाद मैथ का सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 46 आपका क्वेश्चन आपका रहेगा, ये है आपका रीजनिंग का। तो यहाँ पे काफी इजी 46 क्वेश्चन पूछा गया है। ये ए ए है, ये बी बी, फिर सी सी, तो अगला क्या आएगा? डी डी। लेकिन सारे ऑप्शन डी डी के हैं, तो पहले अक्षर को चेक करेंगे। जेड के पीछे बाय, बाय के पीछे एक्स, तो एक्स के पीछे क्या आता है? वो आता है डब्ल्यू, तो WAD। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास बोला है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को क्या था? रविवार था। यहाँ पे मान के चलते हैं कोई एक महीना है, उस महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन है? वो है संडे। आपको बोला गया है उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा,
तो आप कितना दिन आगे गए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप टोटल कितने दिन आगे गए, 26 दिन में आगे गया। 26 और 3 कितने, 29। तो 26 दिनों को आपको ब्रेक करना है हफ्तों में, तो ये आपके टूट जाएंगे 21 दिन, और साथ में कितने दिन, 5 दिन। 21 दिनों का मतलब हफ्ते, हफ्तों में कभी भी दिन चेंज नहीं होता है, तो 21 को हम काउंट नहीं करेंगे, मैं काउंट करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसको, 5 को। तो संडे में 5 दिन ऐड करेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगर आपको कैलेंडर से रिलेटेड पूरी की पूरी एक वीडियो चाहिए जिसमें हम ट्रिक्स के साथ कैलेंडर को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कोडिंग, जिसमें आपको कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कमेंट आप ज़रूर करें। जल्दी ही आर्मी के एग्जाम से पहले आपको 1 या 2 दिन में आपको पूरे के पूरे कैलेंडर के चैप्टर की वीडियो जो है वो मैं लेके यहाँ पे आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोड आपके पास दिया गया है BADC, BADC को आपको बोला गया है 2143, ये इसके कोड हैं। तो आपसे बोला गया है 4215 का क्या आएगा, चौथे नंबर पे आता है D, दूसरे पे आता है B, पहले पे आता है A और पांचवे पे आता है आपके पास E, DBAE, DBAE। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास उसमें आपको एक क्लासिफिकेशन की वे में आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अलग है। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक अलग ऑप्शन आपको ढूंढना है, कोई भी मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे सेब, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे संतरा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा कीवी, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे गुलाब। तो देखो सेब, संतरा, कीवी और गुलाब, इन चारों में से अलग कौन है, तो वो है आपका कौन सा, गुलाब, क्योंकि ये जो है ये एक फूल का नाम है, फ्लावर है, और बाकी 3 जो है वो आपके क्या है, फ्रूट है। लेकिन अगर मैं इस यहाँ पे गुलाब को हटा देता हूं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं क्या, आम लिख देता हूं, ठीक है, तो फिर इन चारों में से अलग कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है किसी अनदर वे में। तो देखिए सेब, संतरा और कीवी जो है ये ऐसे 3 ऐसे फ्रूट हैं जिनमें जो इनके सीड हैं, जो बीज हैं, वो काफी ज्यादा संख्या में होते हैं, मतलब 1, 2 या उससे ज्यादा सीड जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके बीज पाए जाते हैं, लेकिन आम के अंदर सिर्फ एक ही बीज जो है, एक ही गुठली जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका आम जो है वो राइट आंसर होगा। वैसे इसी वे में आपको यहाँ पे चेक करना है तो 56-25, 20-25 और 92-16, ये किसी ना किसी के स्क्वेयर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 56-25 75 का स्क्वेयर है, 20-25 45 का स्क्वेयर है, और 92-16 जो है वो 96 का स्क्वेयर है, लेकिन 68-63 ये किसी का स्क्वेयर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक आदमी जो है वो 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से वो चला यहाँ तक 50 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर राइट साइड वो मुड़ा और कितना गया, 30 गया, फिर वो पश्चिम की ओर गया और कितना गया, 10 गया। अब बोला है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे आप कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना है। तो ये डिस्टेंस आपका 10 है, ये टोटल 50 था, तो ये बच गया 30, ये 30, तो ये भी आपके पास 30। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा कर्ण का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनोज का स्क्वायर, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना आपके पास, 30 का स्क्वेयर आपके पास आएगा 900, और बेस है आपके पास ये, तो बेस है आपके पास कितना, 40, 40 का स्क्वेयर आपके पास कितना आएगा, 1600। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 2500, और 2500 किसका स्क्वेयर होता है, 50 का। तो ऑप्शन 50 कौन सा है आपका, 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आई होप मैंने आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं वो आप सभी को 101% आपको समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे रहता है
तो आप जो है वो कमेंट यहाँ कर सकते हैं, जिसमें आपके पूरी की पूरी हेल्प जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड की जाएगी। साथ में अगर आप आर्मी अग्निवीर के अगर आप मॉक जो है वो परचेज करना चाहते हैं, तो www.vijaypatheducation में आप जाएं, जिसमें आप में 200 से ज़्यादा आपको मॉक चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट आपको वहां पे मिलेंगे। इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये आपकी 200 रुपीज़ में आपका पूरा का पूरा पैक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको जो है वो 20-25% का डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में 200 के पैक में आपको आर्मी की ई बुक्स जो हैं वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू जो है वो मिल जाएंगी। इसको पाने के लिए आप www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे लॉगिन करें और पीडीएफ के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप इस चीज़ को एनरोल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी ही एक और नए सैम्पल पेपर के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम और अच्छे से क्वेश्चन जो है वो आपके आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो कवर अप करेंगे। सो मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।